तो भैया भारत में आदि पुरुष मूवी को बैन कराने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहां तक कि इस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर तक पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म में हमारी रामायण का अपमान किया गया है और हमारी भक्ति भावना को भी ठेस पहुंचाई गई है। वहीं आदि पुरुष के मेकर इस बात से चिंता में है कि अगर ये फिल्म बैन होती है तो 500 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए है। यही हालत इस फिल्म के मेकर्स की है। उनका कहना है कि हम लोगों ने फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुंचे। कोई इनसे पूछे कि इस फिल्म में ऐसा बचाई क्या है जिससे हिंदू भावना को ठेस ना पहुंच रही हो, तुमने हर कैरेक्टर का लुक बदल दिया, रावण की सोने की लंका काली कर दी, यहाँ तक कि सीता को भी DDLJ की काजोल बनाकर तुमने झूले पर झुलवा दिया, इससे ज्यादा और क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे बे। या मेरे हिसाब से तो ये फिल्म बैन होनी चाहिए, ताकि उन डायरेक्टर्स को भी ये बात पता चल जाए जो हिंदू विरोधी फिल्में बनाते हैं, कि अगर कोई भी भारत की सभ्यता या भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म की भावना के साथ खेलेगा तो फिल्म चाहे 500 करोड़ की बनी हुई हो या 1000 करोड़ की, उसे बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पेंसिल ही काफी है। तो यार आजकल ना एक फिल्म की बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और उस फिल्म को जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि क्या फिल्म बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांतारा मूवी के बारे में। ये फिल्म भी कन्नड़ा इंडस्ट्री की है जिसकी KGF थी। तो भैया इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। ये फिल्म बनाई गई है एक जंगल के ऊपर। तो भैया 1800 ईस्वी में एक राजा राज किया करता था, तो उसने एक जंगल वहाँ के गाँव वालों को दान में दे दिया था कि आज से ये जंगल तुम्हारा हुआ, इस जंगल के कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे पशु पक्षी सब तुम्हारे हुए, अब तुम इसके रक्षक बनो या भक्षक बनो वो तुम्हारा जिम्मा, हमने ये जंगल तुम्हें दे दिया। तभी से उस गाँव के लोग उस जंगल की रखवाली करते हैं और उसी जंगल से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। फिर एंट्री होती है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की, जो कि उस जंगल को सरकार की अमानत बताता है कि भैया ये जंगल सरकार का है और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मतलब फिल्म की कहानी उसी जंगल को बचाने के ऊपर है कि किस तरीके से गांव वाले अपने जंगल को सरकार से बचाते हैं। मतलब इस फिल्म के जो एक्शन सीन है वो इतने रियल तरीके से शूट किए गए हैं कि आपको बिल्कुल ये फील आएगी कि अगर लड़ाई हो रही है तो वाकई में लड़ाई हो रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया आदि पुरुष का टीजर आने के बाद हर कोई यही बोल रहा है कि इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है, इस फिल्म में रामायण का अपमान किया गया और इसका VFX वो तो किसी वीडियो गेम की तरह है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस फिल्म में कुछ नहीं है और इन लोगों ने 500 करोड़ का कचरा कर दिया है। ये बात मैं भी मानता हूँ और यारो मेरा तो ये मानना है कि जो राम के नाम को बदनाम करेगा उसकी मूवी भारत में चलनी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एक कड़वी सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि अगर ये फिल्म बैन नहीं होती और ये फिल्म रिलीज होती है तो ये अपने पहले दिन ही हाउसफुल रहेगी और इस फिल्म की पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई भी सबसे ज्यादा होगी। ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये फिल्म अप्रोक्स 1000 करोड़ लगभग 1300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, क्योंकि यार इस फिल्म को चाहे कितना भी हेट मिल रहा हो लेकिन इससे भी इसका प्रमोशन हो रहा है। खैर मेरे हिसाब से तो इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ दिखाया वो बिल्कुल भी रामायण से मैच नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इस फिल्म के अंदर राम नाम का फायदा उठाया गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार 2015 में आई सस्पेंस थ्रिलर मूवी दृश्यम तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसमें हमें अजय देवगन और तब्बू नजर आए थे। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें अजय देवगन की बेटी को एक लड़का उसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद उस लड़की से धोखे से उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद अजय देवगन उस मर्डर को छुपाते हैं और जिस लड़के का मर्डर होता है वो लड़का IG का बेटा होता है, वो IG होती है तब्बू। फिल्म में अजय देवगन उस लड़के की लाश का फिल्म के एंड तक पता नहीं चलने देते। वैसे तो ये मूवी साउथ की मूवी का ही रीमेक थी, लेकिन मजा आ गया था इस मूवी को देखकर। तो अब आ रहा है इस मूवी का दूसरा पार्ट। तो भैया टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल पर इस मूवी का रिकॉल टीजर आया है, जिसमें दिखाया तो दृश्यम 1 के ट्रेलर को ही है, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया कि ये मूवी हमें जल्दी देखने को मिलेगी। फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट के बारे में तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन जल्दी इसका टीजर और ट्रेलर दोनों आ सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने भी दृश्यम 1 देखी थी और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।